जय गुरु जी। नमस्ते सभी संगत को जो जुड़ी है, और मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे गुरु जी की कृपा से मिला है। और आपने जो लाइन दी है कि दवाई भी जब ही काम करती है जब गुरु जी ब्लेस करते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, और हमेशा हमेशा से उन्होंने जिस जिस को बुलाना है, कोई भी जिसको भी उन्होंने चाहा है बुलाना, वो ज़रूर गुरु जी के पास गया, और जिसको नहीं चाहा वो गुरु जी के पास नहीं आ सकता है। मैं ये समझती हूँ कि गुरु जी से मिलने का जब मौका मिला तो कोई ऐसा मन में नहीं था। जैसे जब मुझे मैसेज मिला कि गुरु जी बुला रहे हैं, गुरु जी के पास चलना है, एक दो बार तो मैंने पहले मना ही किया, लेकिन गुरु कृपा, गुरु जी की मर्जी थी, मैं गई गुरु जी के साथ सामने। मेरे बच्चों को भी मैं लेके गई, मेरी तीन बेटियाँ, तीनों को मैं लेके गई। मेरे अंकल गए, और हमने जाके गुरु जी को जब वहाँ गए तो एकदम लाइट, मुझे जो है एकदम लाइट नजर आई, इतनी अच्छी लाइट कि वहाँ लगा कि मैं किसी हेवन में आ गई। और बहुत ही शांत तरह से मैं वहाँ बैठी, मन में कुछ नहीं था, कोई ऐसी चीज़ मांग नहीं थी किसको मैं लेने गई, लेकिन वो गुरु जी को पता था कि मेरे आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा। फिर भी हम लोग, ये सौभाग्य था हमारा, गुरु जी ने अपने पास रखा। और किस किस तरह से गुरु जी की, मतलब किन शब्दों में बड़ाई करूं, मेरे पास वो शब्द नहीं है। हर एक शब्द उनके रूप और स्वरूप और उनकी जो कृपा है उसके आगे सब छोटा है। अब हम अपने शब्द जो हमारे पास हमारी डिक्शनरी में हैं, हम केवल उन्हीं को यूज़ करते हैं, उन्हीं को कहते हैं शुक्राना गुरु जी, मालिक का शुक्राना, ये देने का शुक्राना, ऐसा देने का शुक्राना, हम शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी भी यही कहते, गुरु जी चाहते थे कि जब संगत के मैं काम करूं तो वो ज़रूर शुक्राना करे। इससे गुरु जी को ताकत मिलती थी, गुरु जी को शक्ति मिलती है। आज भी, आज गुरु जी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस समय गुरु जी हमें छोड़ के गए उस समय बहुत ही दुखी हम हुए। और गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हम जब, हमें तो ये मालूम था कि बड़ी से बड़ी परेशानी आएगी, चाहे वो फिजिकल कोई परेशानी हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे सोशली हो, फैमिली में हो, हम गुरुजी से कहेंगे और तुरंत दूर है। इतना मन को ताकत और शक्ति और शांति थी। लेकिन गुरुजी के जाने के बाद जो स्थिति हमारी, मेरी नहीं बल्कि जितनी भी संगत को मैं देखती थी, सबको हालात खराब थे। कोई इधर उदास बैठा है, कोई उधर उदास बैठा है, एम्पायर स्टेट में जाना बंद हो गया, बड़े मंदिर में जहाँ गुरु जी का सारा क्रियाक्रम हुआ उसको किस तरह से हमने देखा, कैसे उसको सहन किया। धीरे 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 बड़े मंदिर जब जाते थे तो बहुत ही कम संगत होती थी, और हम लोग खुद बैठ के बड़े मंदिर में हॉल में बैठ के गुरु जी के सामने बस आँख बंद करके ध्यान में रहते थे, गुरु जी आप हमें छोड़ के गए, कैसे होगा, क्या होगा, अब हम किसको कहें, कहाँ जाएं। धीरे 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 मैंने देखा कि मेरा भी, मैं मतलब बहुत अपने आप को समझती हूँ कि नहीं रोना चाहिए था, लेकिन वहाँ बैठ के आंखों से इतने आंसू निकलते थे, हम छुपा, मुंह छुपाना पड़ता था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं साथ वाली आंटी को भी देख रही हूँ, वो भी रो रही हैं, दूसरी भी रो रही हैं, लेकिन फिर मन को शांति दे, अंदर से ही आवाज़ आई कि मैं कहीं नहीं गया। टेलीपैथिकली बात की गुरु जी ने, मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ। बहुत शक्ति मिली, और हम जैसे इंसान गुरु जी की जैसे परीक्षा लेने लगे। मैंने एक बार कहा कि गुरु महाराज यदि आप यहाँ हैं तो आप मेरे को अपना एक प्रमाण दो। जहाँ गुरु जी की गद्दी है, मैंने कहा मैं यहाँ पे हाथ लगाऊंगी, अगर मुझे कुछ मिला आपसे रिलेटेड चीज़ें तो मैं समझूंगी कि आप यहाँ हैं। आज भी ये मैं मन में सोच रही, और ध्यान में लगा के मैं वहाँ बैठी थी। मेरे को हमेशा गुरुजी भी अपने साथ चेयर के साथ ही बिठाते थे, और चरण स्पर्श करने का, चरण दबाने का मौका मिला, हाथ दबाने का, उनको छूने का मौका मिला। वो कैसा समय था, जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, वहाँ से जाने को मन नहीं करता था। इतनी ऊंचाइयों तक गुरुजी ने मुझे पहुँचाया, मैं बाद में बात करूँगी उसकी, इतनी ऊंचाइयों तक कि जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। और जब मैं आई, जब कोई तकलीफ मन में नहीं थी,
लेकिन गुरु जी की कृपा से धीरे 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 जब हम आगे बढ़े और जो गुरु जी ने हमारे बीच में से फिजिकल रूप से तो गए, लेकिन आज भी हर पल पल वो हमारे साथ हैं। तो जैसे ही मैंने कुर्सी के नीचे हाथ लगाया तो मैंने देखा एक पतला सा गत्ते का बॉक्स था, बहुत ही छोटा पतला सा लंबा सा। मैंने उसको वहां खोला तो एक स्टील का स्पून था जिसका आगे से टी स्पून जितना साइज और पीछे से उसकी डंडी जो थी बहुत लंबी थी। ओह, मेरे को एकदम याद आया, इनका शुक्राना मेरे गुरुजी, क्योंकि उस चम्मच का मैं एक सत्संग सुनाती हूँ कि जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मैंने कहा गुरुजी मैं एक स्टेज, मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं उस समय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो मैंने कहा गुरुजी एक स्टेज से मैं गिर गई तो मेरे को मतलब झटका लगा, नीचे जंप किया हम लोगों, मैंने जैसे ही किया तो पैर नीचे मुड़ गया और मेरे जर्क लगी। मैंने कहा मेरे ना डॉक्टर को दिखाया L4 L5 में कोई प्रॉब्लम। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो। फिर गुरुजी ने अपने अंदर जैसे हमेशा से सभी बहुत सारे संगत ने और बताए होंगे अपने एक्सपीरियंस, उन्होंने अंदर ले जाके अपने बिस्तर पे लिटाया और लिटा के उन्होंने एक स्पून मंगाया किचन से, तो वो स्पून की मुझे तब तुरंत याद आई। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कितने अनाड़ी हैं, कैसे हम लोगों का समझ नहीं आता क्या बुद्धि है कि उनकी परीक्षा ले रहे हैं। खैर जब चम्मच मिला, उन्होंने चम्मच मंगा के मेरा एक्स्ट्रा किया पूरे बॉडी का। उन्होंने 2-3 चीज़ें कही कि नाड़ियाँ सूखी पड़ी ने, मीन्स बहुत कम पानी पीती है, तो पानी कम पी दिया। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी, पानी 2 गिलास तक के नाल सवेरे सवेरे ज़रूर पिया। मैंने कहा अच्छा जी गुरु जी। उन्होंने पूरा स्कैन किया, सारा करने के बाद मेरे पैर के दोनों अंगूठे पकड़ के जोर से एक जर्क दिया और उस दिन के बाद गुरु की कृपा, गुरु की महिमा, मैं कैसे किन शब्दों में बताऊं, मेरा तुरंत वो ठीक हो गया। जिसके लिए मुझे सोच रही थी मैं बेल्ट बांधूंगी, डॉक्टर ने कहा सैर करो और बेल्ट बांध के करो, ये सब उसकी गुरु की कृपा से कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज भी गुरु की पूरी कृपा हमारे साथ, बच्चों के साथ, सारी संगत के साथ, पूरे विश्व की, पूरे हर जगह की, विश्व ब्रह्मांड की मैं तो कहूँगी, उनके पास आज भी कृपा गुरु जी की है। गुरु जी पल पल सबको देखते हैं, एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ। मैं जब थोड़े दिन हो गए, फिर मैं जब मंदिर में बैठी थी तो मेरे को लगा हाय गुरु जी, पता नहीं मैंने क्या सोचा। फिर मैंने एक दिन ऐसे देखा गुरु जी के पास बहुत सारे फ्लावर सजे हुए थे, गुलाब के थे, मोतिया के थे, मालाएं थी, बुकेत रखे थे। तो मेरे मन में बैठे बैठे मैं सोच रही थी गुरु जी आप सचमुच में है ना, तो आप मुझे यहाँ पे कमल का फूल दिखाएं या मुझे कमल का फूल मिलना चाहिए यहाँ पे बैठे। मैं 15-20 मिनट बैठी रही ध्यान में और मैंने कहा अच्छा देखो नहीं मिला ना, है ना गुरु जी। फिर मैं मतलब मैंने कहा गुरु जी ऐसे हमारे अंदर डर पैदा होता है कि आप हैं कि नहीं है, देखो मिला ही नहीं, बस मैं ये सोच के भूल गई। फिर 15-20 मिनट बैठी रही और लोग संगत थी, मेडिटेशन किया और मैं जाके, मेरी एक आदत थी जो आपने देखा होगा अगर बड़ा मंदिर, तो पहले पुरानी किचन जो थी उसके बाहर ओपन स्पेस था बरांडा सा, मैं वहां जाके बैठ जाती तो शिवलिंग की तरफ देख के ध्यान लगाती थी। तो जब मैं वहां जाके बैठी और मैं बहुत कम बात करती थी किसी से भी, जितनी भी संगत थोड़ी सी थी, लेकिन गुरुजी भी कहते थे, गुरुजी भी कहते थे एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं बनाने, कोई संबंध नहीं बनाने, किसी से बातचीत वो खुद भी अच्छा नहीं लगता था, गुरुजी के सामने भी नहीं करते थे और बाद में भी नहीं किया। तो जब मैं वहां बैठ के ध्यान में बैठी थी, मैं भूल गई थी मैंने अंदर क्या कहा क्या नहीं कहा इतनी देर में, ना सदा मासूम जो सिंगर हैं गुरुजी के ब्लेस्ड हैं वो वहां आए, आके बैठे तो मेरे साथ कहने लगे आंटी आपके पास मेरी नई सीडी मिली, उस समय सीडी में उनके सॉन्ग्स होते थे। मैंने कहा नहीं नहीं। उसने कहा अच्छा मैं देता हूँ। उसने अपना बैग खोला और एक सीडी, रिकॉर्डेड सीडी दी जिसके ऊपर कमल का फूल बना हुआ था पिंक कलर में और उसमें बीच में गुरु जी। उन्होंने मेरे जैसे हाथ में दी ना, हो आई वॉज टोटली सरप्राइज, मैं इतना हैरान हो गई कि मैं जो अंदर बात कर रही थी मैं तो भूल ही चुकी थी, वहां बैठ के मेरे को बिल्कुल ध्यान में नहीं था, लेकिन जैसे उन्होंने वो दिया तो मेरे को समझ में आया कि गुरुजी ने अपनी जो प्रेजेंस है वो दिखा दी।
और मैंने शुक्राना किया गुरु जी का, मालिक शुक्राना मेरे से कुछ गलती भूल चुक हो जाए मुझे माफ भी कर देना, बख्शनहार मुझे बख्शो। हम लोग पता नहीं किस तरह के बुद्धि वाले हैं, हर वक्त में डर जाते हैं, इस संसार में रह के अनेकों पीड़ाओं से घिरे हुए, अनेकों तरह की दिक्कतें परेशानियां, वो घर की बाहर की, पॉलिटिकली भी बहुत सारी समस्याएं आती रही। तो मैं जब वहां से निकली तो मैंने कहा अच्छा अब नहीं मैं कुछ भी कहूंगी गुरु जी, बहुत सारी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, पर फिर भी मन जब अशांत होता है तो कहते हैं गुरु जी आप हैं या नहीं हैं हमें बताओ। तो इसी तरह से समय चलता गया और बच्चों की भी जिस तरह से जो उनके कार्यक्रम थे किए, बहुत सारी चीजें थी जो गुरु जी ने उस समय पे कही और मैं नहीं मान पाई। अब कारण क्या रहा आज मैं उन चीजों को पछताती हूँ, गुरु जी ने जो कुछ भी मेरे से कहा। जैसे एक बारी कहा कि वीरवार आए, मैंने कहा अच्छा जी गुरु जी, मतलब हम बहुत लाइटली लेते थे, जब हमने सोचा नहीं। मैं कह रही हूं आज जो जुड़े हैं संगत गुरु जी के बाद, उन्होंने सीधा भगवान मान के जुड़े हैं, और जब हम जुड़े थे हम उनको इंसान मानते रहे, गुरु जी कहते थे लेकिन इंसान, क्योंकि वो बहुत लाइट मूड में बात करते थे, कभी कुछ चेयर के साथ जब बिठा लेते थे कभी यहाँ की बात कभी वहां की बात, कभी सोशली बातें करते थे, कभी हंसी मजाक कर दिया, पॉलिटिकली बातें कर दिया। एक दो बारी कहा अपने लोगों को बुला के लाओ, संगत को जोड़ो और लेके आओ। मैंने कहा एक दो बारी तो मैंने माना, कईयों को कहा भी जो मेरा सर्कल था। तो एक दिन गुरु जी ने कहा जब कहा, तो मैंने कहा गुरु जी हम किसी को जब कहते हैं ना कि गुरु मेरे गुरु जी के पास चलो, तो उनको ऐसा लगता है कि गुरु उस समय पे बहुत समय ठीक नहीं था, और गुरु पता नहीं कितने कितनी तरह के गुरु जो हैं उनकी बहुत ज्यादा बदनामियां थी। तो सब लोग ऐसे सोचते हैं अपने गुरु के पास क्यों ले जा रहे हैं, हमें क्यों ले जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा दो तीन बारी कहा गुरु जी मैं नहीं क्या कह सकती। तो उन्होंने एक का नाम लिया कि ये पटनायक तो बहुत लाता है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि गुरु जी इसका क्या काम है, वो मैंने बताया कि अरे इसमें कहना ठीक नहीं है अभी। तो गुरु जी चुप हो गए, और मैं जब जिस दिन कहा उन्होंने वीरवार आना, मैं नहीं गई जी। मैं नेक्स्ट डे फ्राइडे जब गई तो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा बोला कि मैं वीरवार बुलाया सी। मैंने कहा गुरु जी बहुत सारा काम था, तो रात को 2 बजे मैं खत्म किया अपना काम। वो चुप हो गए। फिर एक दो दिन बाद फिर उन्होंने यही कहा मैं वीरवार बुलाया सी तेने तू आई नहीं। मैंने कहा गुरु जी मैंने आपको बताया ना कल की ये मेरी फाइल्स पड़ी थी मेरे मंत्रालय की, मैंने कहा वो क्लियर करनी थी मुझे, मैं इस वजह से नहीं आ पाई। थर्ड टाइम जब गुरु जी ने कहा तो मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। मैंने कहा आप सबके सामने रोज रोज कहते प्लीज गुरु जी नहीं। तो फिर उन्होंने एक जवाब दिया जो कभी रब नहीं देता, वो रब है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, क्या नाम दूं। उन्होंने अंदर से इतना पीड़ा थी, देखिए वो कितना प्यार अपनी संगत को करते हैं, इतना प्यार अपनी संगत को करते हैं, कभी उन्हें दुखी नहीं होने देते। उनके भाग्य में जो लिखना चाहते हैं, जो देना चाहते हैं वो देते हैं, लेकिन हमारी जो बदकिस्मत है या हम लोग नहीं कर पाए, हमने आज्ञा नहीं मानी उनकी। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी और वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे उनसे मिलवाना, चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर जी के घर में मीटिंग थी, कहते मैं वहां बुलाने के लिए कहा था वीरवार आपने। मैं उसके बाद में चुप हो गई, और मैंने अपने आप मैंने गुरु जी से माफी भी मांगी, और मैंने कहा गुरु जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो वो फिर उसके बाद जवाब नहीं देते थे, उसके बाद तो इधर मुंह करते थे इधर मुंह करते थे। अभी मतलब जैसा आप जानते हैं अगर उनको किस तरह से वो चुप हो गए। और इसी तरह कई बार उन्होंने जैसे बच्चों के लिए भी कुछ कहा, मैं नहीं मान पाई, उनकी बात को ध्यान नहीं दिया, उसके लिए भी मुझे बहुत तकलीफ है कि मैं उनकी बात मान लेती तो शायद मेरा बहुत अच्छा रहता। चलिए जो गुरु जी की कृपा, गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरु जी जो हुआ आप उसके लिए माफी दो और आगे के लिए हमारे को अच्छा रास्ता दिखाओ। इसी तरह से पूरी जर्नी चलती गई, और हुआ ये कि चलते चलते बीच में कुछ दिन का गैप भी आ गया, ऑटोमेटिकली पता ही नहीं चला। 2006 से 2007, 2006 का एंड और 7 में तो मई में वो हमारे बीच में से चोला छोड़ ही गए, लेकिन उस बीच में क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। वो गुरु जी का अपना
सोचने का तरीका। जब उसके बाद हम जब दोबारा जब गुरुजी के साथ मिले और चोला छोड़ने के बाद जो तकलीफ अंदर हुई, जैसे अंदर लगता था कि इस शरीर को अब रहना ही नहीं चाहिए, अब हम कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे, लेकिन गुरुजी ने पूरी कृपा रखी और हमें ये बता दिया मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके बीच में हूँ। जब मैं पहले जब हम जाते रहे तो गुरुजी ने स्वरूप बहुत कम मिलते थे लोगों को, लेकिन गुरु की ऐसी कृपा रही, बहुत इतना प्यार करते थे वो, इतना प्यार करते थे, मतलब कभी भी अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं कहा, चरण दबाए तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हुए हंसते हुए एक दूसरे के बारे में बात करते थे। उन्होंने मेरे को एक बारी छोटे स्वरूप दिए, काफी सारे मुट्ठी भर के उठा के दिए। एक बारी मैं और गई तो रेड चोले वाले उन्होंने 5 स्वरूप दिए मुझे, और 5 मुझे कहने लगे कि तो सिकनी बहन हो। मैंने कहा गुरु जी 4। कहते नहीं 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 5 नहीं। मैंने कहा नहीं गुरु जी 4 है। वो 5 कहते रहे, मैं 4 कहती रही, फिर हंसने लगे। कहते अपनी माँ को पूछी, तो मेरी मदर थी, मैं घर आई जब मैंने मदर से पूछा कि माँ हमारे पास हम लोग तो 4 सिस्टर्स हैं एक और। कहते हाँ एक सबसे बड़ी थी जो बचपन में जिसकी डेथ हो गई थी। ओहो, तो मुझे समझ आई और गुरुजी ने जो मुझे 5 स्वरूप दिए, अब किस लिए दिए थे मुझे नहीं पता, कि उनको बहनों को बांट देने के लिए या वो बस बात आई गई होगी, मैंने लेके अपने पास रख लिए। गुरुजी ने उसके पीछे सिग्नेचर करे थे अपने, मेरे को उन्होंने दे दिया और मैंने रख लिए। और इतना बिजी शेड्यूल मेरा रहता था कि सोशल सर्विस समझिए या कुछ भी जो उसमें हर वक्त वक्त पड़ा हुआ। अब आके वो बात शायद थी 2001 में उन्होंने स्वरूप दिए होंगे मेरे को, 2000 या 2001 में दिए थे, और वो अब 2020 में 20 या 21 में मेरे पास, मैंने शिफ्ट किया अपना घर, तो वो मेरे मंदिर में रखे थे, मंदिर में से निकले इकट्ठे। तो मैंने अपनी डॉटर को बोला कि गुरुजी ने देखो ये मेरे को दिए थे और ये मेरे पास हैं। तो मेरी डॉटर ने कहा कि मुझे भी दे दो, सबसे बड़ी वाली डॉटर ने। तो मैंने कहा ले लो 2, उसने ले लिए। और मेरे को मैंने छोटी डॉटर के लिए रख दिया, एक मैंने अपने मंदिर में रख दिया, एक मेरी बीच वाली डॉटर उसने वो बाद में लिया मेरे से, मैंने उसको भी दे दिया। लेकिन बड़ी वाली डॉटर के मैं ये इसलिए सुना रही हूँ सत्संग कि गुरुजी को हम कहते हैं कि गए हमारे बीच में से, गए नहीं है कहीं। वो 2 स्वरूप जो मैंने अपनी डॉटर को दिए थे बड़ी वाली को, किसी तरह से पता नहीं कैसे प्लास्टिक जो गुरुजी की तस्वीर थी उसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ था, उसके पीछे गुरुजी ने सिग्नेचर कर रहे थे स्केच पेन से। और इतने दिन से मेरे ख्याल से 20 साल 21 साल मेरे पास रहे वो स्वरूप, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उसके पास गए बाय चांस उसके किसी तरह से वो स्वरूप के बैक के सिग्नेचर उड़ गए, मींस मिट गए या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने अपने पर्स में देखा, उसने मेरे को कहा कि मम्मी मेरे तो ये सिग्नेचर मिट गए, पता नहीं कैसे मेरा हाथ पाथ लगता रहता उससे रब होके मिट गए। तो मेरे को डर लगा, मैंने अपने फटाफट अपने जो मेरे पास स्वरूप थे उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया एक और, कि अंदर रहे गुरुजी के सिग्नेचर। लेकिन मेरी डॉटर इतनी परेशान हुई, उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन अंदर 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 वो गुरुजी से प्रार्थना करती रही कि गुरुजी ये क्या हुआ, मम्मी के पास ये स्वरूप 21 साल पड़े रहे, सिग्नेचर वैसे के वैसे या 21 साल बाद उन्होंने मुझे दिए और तब ऐसे ही रहा, तो ये क्या होगा, मेरे से कौन सी ऐसी गलती हुई। वो मतलब उसने बताया नहीं, लेकिन अंदर 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 गुरुजी से प्रार्थना करती रही। तो एक दिन उसने अपनी पर्स में से, ये उसने मुझे बाद में बताया, मुझे भी नहीं बताया, वो एक सत्संग में थे, किरण आंटी के यहाँ सत्संग था, उसने वहां अपना शेयर किया। तो मैंने कहा तुमने मुझे तो नहीं बताया, जबकि हम लोग एक साथ ही रहते हैं, वो सेकेंड फ्लोर पे और मैं नीचे ग्राउंड पे हूँ। तो मैंने कहा तुमने मुझे तो नहीं बताया, तो उसने वो अपना सत्संग शेयर किया। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, गुरुजी की महिमा, गुरुजी की बड़ियाई, गुरुजी अपने बच्चों कभी नहीं छोड़ते। कितना ही हम लोग सोच लें, हम जब दुखी होते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं। मैं बहुत सारे सत्संग करूंगी जिस तरह से वो सामने आके उन्होंने हमें न्यू लाइफ दी, हमारी
संशाओं को मिटाया, और कभी वो रिचुअल्स में नहीं पढ़ते थे कि ये नहलाओ, ये पहनाओ, ये कपड़े पहनाओ, वो सत्संग में भी नहीं कहते कि बहुत सजावट करो, वो कहते हैं अच्छे मन से, साफ मन से, अच्छे कर्म करते हुए साफ सफाई रखिए, एक कुर्सी रखिए, दो फूल रखिए, जो करिए मैं पवित्र मन से जो बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। तो उसने शेयर किया कि जो दो स्वरूप उसके सिग्नेचर मिट गए थे और वो बहुत परेशान रही इतने दिन तक, तो अपने पर्स में से वो दोबारा, उसकी कोई रिंग कहीं शादी में जा रही थी तो रिंग उसने डाली, उसने रिंग निकालने के लिए जैसे हाथ डाला तो वो स्वरूप निकले, जैसे स्वरूप निकले उसने बैग देखा तो गुरु जी ने डार्क, एकदम डार्क पेन से दोनों में सिग्नेचर उसके आ गए एज इट इज। अभी फोटो मेरे पास यहाँ मैं दिखा नहीं पाऊंगी, नहीं तो मैं दिखाती कि गुरु जी ने दोनों के पीछे दोबारा से सिग्नेचर गुरुजी ने कर दिए, एक पर्पल कलर से और एक ब्लैक कलर से। ओह, कहती इतनी हैरान, और मैं भी देख के, मतलब हम लोग मान नहीं सकते कि ये क्या है, इसको मिरेकल कहेंगे, गुरुजी का प्रेम करेंगे, या ये कहेंगे गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, जिस चीज से हम दुखी थे पर्स में दोनों स्वरूप रखे, दोनों पे सिग्नेचर करके। तो जब मिला तो मतलब एक मन को शांति मिलती है, शुक्राना किया, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप किस तरह से हमारी आवाज़ सुनते हैं, कैसे हम लोग कोइंसिडेंट समझ के ले लेते हैं कि ऐसे मिट गया होगा, चलो कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब वो दुखी थी और उसका दुख दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत सिग्नेचर, आज भी अभी भी वो है मेरे पास, उस बिटिया के पास ही हैं, और हमें ये दिखा दिया कि मैं आपके साथ पल पल हूँ, इससे दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो दुख भी आते हैं ना, तो हो सकता है वो हमारे कुछ कर्म है जो उस छोटे से दुख में काट रहे हैं। पता नहीं कितने कर्म, बुरे कर्म हमारे जन्म जन्मांतरों से चले आ रहे थे, जिसको वो विध्वंस करते हैं, जिसको वो अपने अपने हाथों से अपने ऊपर कष्ट लेते। मैंने उनको खुद देखा जिस समय गुरुजी चोले में थे, कैसे वो कष्ट लेते थे, उनके चेहरे पे बहुत सारे निशान कभी कभी नजर आते थे, उनके हाथ पैर नाखून काले काले नजर आते। गुरुजी का रौनक, गुरुजी का इतना स्वरूप इतना सुंदर, इतना रूप सुंदर है, लेकिन कभी कभी देखा गुरुजी का हालात ऐसी होती थी कि वो चलने में भी उनको परेशानी होती थी, उठने में, चलने में, तो उससे पता चलता था कि कितनी पीड़ा इन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने संगत में से किसकी पीड़ा को कैसे ये झेलते, अपने ऊपर लेके कष्ट काटते थे। वो कहते थे कोई बात नहीं, अपने ऊपर कष्ट लेके, कहते मैं जो रात को अपनी समाधि में जैसे भी जो भी वो करते रहे उससे वो खत्म कर देते, भस्म कर देते, अपने ऊपर लेके कष्ट भस्म करते हैं। तो हर संगत के इतने कष्ट उन्होंने लिए, इसीलिए उन्होंने कहा कि शरीर मैंने छोड़ा, इसीलिए छोड़ा है कि इस ब्रह्मांड में, इस कलयुग में बहुत बुरा समय आने वाला है। जब वो कई बार कहते थे वीवी बहुत खराब है, वीवी बहुत माड़ा है, हम लोग वीवी नहीं समझे, मतलब वो पंजाबी में जैसे बोलते थे हमने बहुत लाइट लिया, वीवी वीवी बहुत माड़ा है, फिर कभी कभी समझाते नहीं नहीं बहुत खराब समय, अच्छा ठीक है कितना खराब होगा, क्या खराब होगा, हो सकता है कोई बहुत बरसात आएगी, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, हम लोग ये सोचते, ये नहीं पता था जो आज का समय है, जिस कोविड से, जिस परेशानी से हम लोग पूरा विश्व इसको झेल रहा है, ये नहीं पता था गुरु महाराज कौन सी ऐसी चीज है। और उन्होंने अपना चोला इसलिए छोड़ा कि अब उनकी ताकत अनगिनत गुना हो गई, अनगिनत गुना हो गई, इतना विशाल काय, इतना रूप उनका, कहीं वो ऊपर से पल पल हर संगत को देख रहे हैं, हर संगत को देख रहे हैं कि किसको कहां पीड़ा है, कहां उनको जाके उसे ठीक करना है। मतलब वो कहते थे जितना मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे काम करूंगा, ये उन्होंने खुद कहा था कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे काम करूंगा। केवल हम याद करने से ही काम करने की बात है, कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई उपाय नहीं, उपाय जो बताते थे वो जरूर है कि कभी कभी, लेकिन शायद मुझे लगता है हमारे दिखावे के लिए बताते थे कि बहते पानी में ये बहा दो, चना बहा दो, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें कभी कभी बताते रहते थे। हो सकता है कि आज भी वो हमें किस तरह से बैठे हुए, मतलब इस पृथ्वी की चींटी तक पे भी नजर है उनकी, की कैसे ठीक करना। लेकिन जब समय आता है
तब अपनी संगत के साथ जरूर खड़े होते हैं, उसे दुख में कभी दुखी नहीं होने देते। मैं एक और सत्संग अपना इसी तरह से सुनाती हूँ कि अभी पिछले 7-8 महीने पहले की बात है, मैं अपने टीवी रूम में बैठ के टीवी देख रही थी और कच्चा नारियल है ना वो मैं खा रही थी। खाते खाते पता नहीं क्या हुआ, एकदम मेरी विंड पाइप में वो छोटा सा टुकड़ा कहीं फंस गया। बहुत कफ किया लेकिन वो नहीं निकला और सांस मेरे को अंदर जाने रही थी क्योंकि वो अटका हुआ है ना नाक से ना मुंह से, और पूरा ब्लैक एकदम ब्लैंक हो गया, एकदम काला, और सिर्फ मेरे सामने गुरुजी की तस्वीर है। वो मुझे तस्वीर दिख रही थी और उसमें मैंने कहा, गुरुजी मेरे को अभी बहुत काम करने पड़ रहे हैं, ये क्या हुआ? मेरे को एक सत्संग याद आया, मैं कुछ दिन पहले ही पढ़ रही थी वो सत्संग। कहते हैं गुरुजी सत्संग के माध्यम से दूसरों के कष्ट दूर करते हैं, या उस वो चीजें जब याद आती हैं तो आपको भी, आप भी तर जाते हैं, आपकी भी समस्याएं खत्म होती हैं। तो मैंने एक सत्संग पढ़ा था एक अंकल का कि वो उनकी फूड पाइप में, विंड पाइप में नहीं, उनकी फूड पाइप में कुछ ब्लॉकेज सी आ गई और वो कहते हैं सुबह से शाम तक मैंने 2-3 केले भी खा लिए, ब्रेड भी खा ली, पानी भी पी लिया, लेकिन वो पूरी तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं था। कहते हैं जैसे ही मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे से निकला, गुरुजी का स्वरूप जो रखा था मैं उसके सामने से निकला, अपने आप एक बर्फ पाई जोर से और मेरा ठीक हो गया। मेरे को वो उस समय में जब सारा मेरे को ब्लैकआउट जैसा हो गया, वो सत्संग याद आ रहा था, गुरुजी की सिर्फ तस्वीर दिख रही थी। इतनी देर में क्या हुआ पता नहीं, मैंने जोर से सांस अंदर गई ऐसे करके, मुझे भी याद है कैसे गई, और कफ के साथ वो एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, मेरी सांस में सांस आई। नहीं तो मेरे ख्याल से अगर 10 सेकेंड और सांस नहीं आता तो मेरा बचना मुश्किल था। ये गुरुजी ने मेरे को नया जीवन दिया जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। और मेरे हस्बैंड साथ में बैठे, उन्हें पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, वो मेरे को कह रहे पानी पी लो पानी पी लो। मैंने पानी का ग्लास उठाया भी, एक मुंह में डाला, लेकिन वो अंदर जा ही नहीं रहा था, वापस आ गया। लेकिन जैसे मैंने गुरुजी को याद किया, देखिए कहाँ होंगे गुरुजी, हम ये कहते ना कहीं गए कहीं नहीं गए, वो पल पल हर घर में हर जगह देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या किसको जरूरत है। तुरंत उन्होंने आके और मेरा वो एकदम बाहर निकला, सांस अंदर गई और उस पूरे उससे जितना अंदर गई उससे उस प्रेशर से जो मेरा बाहर निकला, तब मेरे को पूरी सांस आई। और मैंने तब बताया अपने हस्बैंड को, मैंने कहा आप बोल रहे थे मैं आपको बता भी नहीं पाती, सेकेंड्स की बात थी, सेकेंड्स की आप हॉस्पिटल भी नहीं ले जाने लायक होते, ये मेरी स्थिति थी। तो गुरुजी को हम ये मानते हैं, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आप जहाँ कैसे हैं, किस तरह से पल पल अपनी संगत को देखते हैं। सिर्फ यही है संगत से मेरी प्रार्थना यही है कि गुरुजी को याद करें, वो कहते थे मुझे याद करो, मेरा शुक्राना करो, मेरा नाम लो, तो उनको शक्ति मिलती है। हम गुरुजी के लिए भी कभी कभी कहते थे गुरुजी के लिए जाप करें, क्योंकि जो हम जाप कर रहे हैं उससे गुरुजी प्रसन्न होते हैं। जब वो खुश होते हैं तो उनकी ताकत, कोई भी माता पिता भी, पेरेंट बच्चे अगर अच्छा काम करें, मदर फादर देख के जब खुश होते हैं ना, उस खुशी से उनको शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। वही हमारे गुरु की, हम उनकी संतान हैं। और जब हम उनको शुक्राना करते हैं या उनको कहते हैं गुरुजी आपने बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, लेकिन उनको जब खुशी मिलती है उससे उनकी ताकत बढ़ती है, उनकी शक्ति बढ़ती है। क्योंकि कई बार कहते थे लोग बेकार की चीज़ें मांगते हैं, लोग मेरे को नौकरी दे दो, मुझे प्रमोशन दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे मकान दे दो, मुझे गाड़ियाँ दे दो, लेकिन कहते हैं कोई अच्छी चीज़ असल चीज़ नहीं मांगता। तो हम कहते थे गुरुजी असली चीज़ क्या है, तो कभी कभी तो वो भी चुप हो जाते थे। असली चीज़ का मतलब उनका नाम जपो, अच्छे कर्म करो, किसी के बारे में बुरा ना कहो ना सुनो, और ध्यान हर वक्त, वो कहते नहीं कि सिर्फ बैठ के तुम ध्यान लगाओ, पूजा में बैठ जाओ, 4 घंटे बैठे रहो, नहीं, वो कहते हैं कि 2 मिनट के लिए भी आप जोत करो, गुरुजी का नाम लो, साफ सफाई रखो, और उसके बाद अपना चलते फिरते काम करते रहो, नाम जपते रहो, गुरुजी का ध्यान, गुरुजी को अपने हृदय में रख के उनका नाम जपते रहो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ये गुरुजी ने अपने मुंह से ये मंत्र दिया था, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। हमने फिर उसके साथ और जोड़ा, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी तो इसी से प्रसन्न होते हैं, वो बहुत ही भोले बाबा है, भोले भंडारी हैं। मैं इसलिए भोले भंडारी जब थे हम सामने गुरुजी, हम समझ नहीं पाए,
मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ जो शुरू में उन्होंने मुझे दिखाया जब मैं गई थी गुरुजी के पास। अब मैं नहीं चाहती कि मैं उस बात को बहुत लंबे में तो नहीं बताऊंगी, शॉर्ट में बताऊंगी। तो इसी तरह की कुछ प्रॉब्लम थी पॉलिटिकल लाइफ में, तो गुरुजी ने मुझे कहा चल पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ी। मैंने कहा गुरुजी नहीं, राजनीति में क्या कोई गैप आ जाए ना फिर कोई रास्ता नहीं मिलता है, तो मेरा पहला जो है वो मेरा असेंबली का इलेक्शन है, वो लड़ूं। तो वो चुप हो गए थे। फिर उन्होंने दूसरी बार कहा, मैंने उनको कहा गुरुजी मैंने कहा ना बीच में गैप नहीं आने देंगे। फिर उन्होंने जब थर्ड टाइम कहा तो मैंने भी उनको वही बात कही थी, मतलब मैं अपनी जिद पे अड़ी रही। वो समझते थे कि बात ठीक है, तो हो सकता है उससे पहले मेरे बहुत सारे चुनाव मैंने लड़ी थी सेम कॉन्स्टिट्यूंसी से, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो। वो तो गुरुजी को पता था कि मेरा समय अच्छा है या बुरा है, मुझे तो लगता था बहुत अच्छा है, अब कोई वो दिक्कत ही नहीं है, गुरुजी साथ हैं। लेकिन उस समय पे जब वो इलेक्शन हुआ मेरा, गुरुजी ने अपना रूप स्वरूप पूरा दिखाया मुझे। मुझे तो अपने भविष्य का नहीं पता था, लेकिन गुरुजी तो जानते हैं, गुरुजी तो हमारे पिछले सब जन्मों को जानते हैं, वर्तमान को भी जानते हैं और भविष्य भी जानते हैं। वर्तमान में जब वो जिद कर रहे थे, वो कह रहे थे मुझे क्या करना, लेकिन मैं अपनी जिद पे अड़ी थी। उन्होंने फिर अपने बहुत बड़े विराट रूप में दर्शन दिए, विराट रूप में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी, और हम भी, मैं तब भी नहीं समझ पाई, अपने शिव रूप में, मतलब जैसे जमीन से लगा के और आकाश तक इतने बड़े रूप में दर्शन दिया। और उसके बाद गुरुजी मेरे ड्रीम में ही, जिस समय गुरुजी चोले में थे तब ड्रीम मुझे आया था, ये ड्रीम में फिर वो येलो चोले में मेरे घर में आए और उन्होंने एक बड़ा सा नाग लेके, वही शिव जब दिखे तो उन्होंने हाथ ऊपर किया, नाग लिया, गुरुजी वो नाग मेरे घर में दे के गए और मुझे कहा इसको दूध पिला जाए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जब गुरुजी के पास गई, ना गुरुजी को बोले, ना मेरे को उन्होंने कहा सत्संग सुना, ना मेरे मुंह से निकला, बिल्कुल ठीक रहा। और फिर वही है कि जब मैंने चुनाव लड़ा 2003 में, और जो स्थिति बहुत लंबा है उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था बिल्कुल वैसी स्थिति थी। और मुझे जब मैं एक्चुअल, जिस दिन पोलिंग डे था, मैं गई और लोगों को मैंने कहा, जो मेरे वर्कर थे, अब उसका नाम लेना भी ठीक नहीं, मैंने उसको बोला अरे 12 बज रहे हैं, वोट नहीं पड़ा है, अब वोट लोगों को निकाल के लाइए, वोट कराइए, वोट कराइए। सेम यही चीज मुझे गुरुजी ने वहां दिखाई थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरे को अपना आशीर्वाद भी दिया कि कैसे उसको निकलेंगे इससे बाहर। उस समय पे सब कुछ हो गया, मैं जब जीत के, जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वन द इलेक्शन, गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने बहुत हंसते हुए खुश होके मेरे से शेक हैंड किया और कह लगे हूँ ठीक है जी गुरुजी। पर वही गुरुजी की जो गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि पार्लियामेंट लड़ना, 6 महीने के बाद ही फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन था, ये था नवंबर 2003 में और वो था मई 2004 में। उन्होंने 2004 में मुझे फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ी, जीती, पार्लियामेंट मेंबर बनी, स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन बनी, मीन्स बहुत अच्छा, गुरुजी की कृपा बनी रही। और उसके बाद जब मेरा ये था, गुरुजी ने साथ में जब चोला छोड़ा तो मैं इससे बहुत दुखी और परेशान थी। मैंने कहा गुरुजी अब बताओ मैं क्या करूं, मैं तो, क्योंकि मैं माता रानी को पूजा करती थी, मैंने कहा मैं क्या करूं, किसकी पूजा करूं, कहाँ जाऊं, इतना अब बहुत, और मतलब वो समय बहुत ही क्रूशल समय था, मैंने कहा डिलिमिटेशन भी हो गया, तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी बदल गई थी, तो मैं क्या करूं। तो गुरुजी ने मुझे स्वप्न में फिर वही दर्शन देखे, गुरुजी कहते हैं जो स्वप्न में नहीं आते वो गुरुजी स्वप्न नहीं होता, वो साक्षात होते हैं। उन्होंने फिर दर्शन देखे और मेरे को मेरा रास्ता दिखाया कि कैसे करो, किस तरह से पूजा करो। मैं अपनी जिस माता को पूजा करती थी, उन्होंने जैसे बताया कि पूजा करो, वो करा। देन अगेन आई गॉट द टिकट, आई वॉन दैट इलेक्शन एंड आई बिकेम कैबिनेट मिनिस्टर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गुरुजी की कृपा थी और गुरुजी का मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, मतलब कहाँ कहाँ पल 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 पे उन्होंने बचाया। आज भी जब थे चोले में, ये तब की बात है और बाद की बात है कि मेरे गले में जो कैसे फंसा, कैसे उन्होंने मुझे बचाया, कैसे कष्ट दूर करे, किस तरह से रोग मुक्त करते हैं, वो
हो सकता है कि कभी किसी को धीरे किसी को एक दिन में ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, किसी को एक साल में मिलती। वो गुरु जी को पता है कब समय अच्छा आएगा और कब हमारा वो कल्याण करेंगे। गुरु जी की वो जो महिमा है हम शब्दों में बांध नहीं सकते हैं। हम किन शब्दों को मैं प्रयोग करूं मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे गुरु जी की आज की पल पल की जो महिमा होती है उसको कैसे उन्होंने दर्शन देते हैं, किस तरह से अपने जब हम जाना होता है मंदिर बड़े मंदिर तो ऑटोमेटिकली हम सोचते, मैं कई बार सोचती हूँ कि गुरु जी देखो हम जब थे कितने शान से आते थे, कोई रोक टोक नहीं। ठीक है, अब ज्यादा वो पहले कहते थे लाइना लगेंगी तो हम लोग मजाक में लेते थे उस बात को, लाइना लगेंगी दर्शन भी नहीं मिलना, करा लो जिन्होंने दर्शन कराने हैं ले आओ संगत नु, तो हम थोड़ा लाइटली लेते थे कि कितना होगा। एम्पायर स्टेट में बैठते हैं हम लोग, 100 लोग, 150 लोग, 200, 500, 600, 1000, 2000, 5000 हो जाएंगे और ऐसा क्यों है। लेकिन आज देखने जो गुरु जी ने कहा, एक एक शब्द सत्य, लाखों की लाइन दर्शन के लिए आती है। और जब मैं कभी सोचती हूँ कि गुरु जी कृपा करना, जैसे पहले आप हमें बुलाते थे ऐसे सीधा बुलाना, तो हमेशा से उनकी कृपा रही है, उनकी ऐसी कृपा रहती कि वो तुरंत जैसे पहले बुलाते थे वैसे ही बुला के दर्शन करा के मत्था टेक के लंगर प्रसाद लेके, लंगर में वो शक्ति है जो उसको लंगर समझ के केवल भोजन समझ के खाएगा उसके लिए वैसा, लेकिन अगर उसको प्रसाद मान के खाएंगे तो शरीर के तन मन के जितने रोग हैं जितने परेशानियां हैं ऑटोमेटिकली एकदम निकल जाती है। जैसे गुरु जी ने कहा कि जो सत्संग हम लोग करते हैं, अभी तो हमारे एक संगत में अंकल हैं, उनको कई बार बहुत सारे ड्रीम में गुरु जी ने आके बताया जो उन्होंने शेयर किया, वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा, गुरु जी ने कहा है कि वीरवार के वीरवार गरम दूध में जो जलेबी खाएगा उसको हर रोग से मुक्त रहेगा। ये गुरु जी के जो उस अंकल ने अपना सुनाया कि ड्रीम में आके गुरु जी ने कहा है कि ये हर वीरवार को दूध जलेबी खाने से हर तरह के तुम्हारे शारीरिक मानसिक रोग दूर होंगे। अब हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने क्योंकि जो कहते हैं कहा ना कि जो गुरुजी के ड्रीम नहीं वो सचमुच आके करते हैं। एक हमारी नीतू आंटी है, उन्होंने भी एक बार गुरुजी ने उसको ड्रीम में बताया और उसे ये कहा कि 5-7 चीजें बताई, सारी तो मुझे याद नहीं। उन्होंने ये कहा कि देखो जो गुरुजी का कोई मैसेज मिलता है उसको मान लेना चाहिए। ये कह अगर कोई ये कह रहा है कि गुरुजी का ये मैसेज है तो हमें मान लेना चाहिए, हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए उसमें अपना कि गलत है सही है, ये तो ऐसे बोलते हैं, तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो सही है तो सही है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर वो गलत भी है तो हमें तो गुरु जी का मैसेज करके मिला है, हमें मान लेने से उसका अच्छा फल हमें मिलेगा और कोई जो गलत कहेगा वो गुरु जी जाने। और ऐसे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने एक गुरु जी ने कहा कि मैं अब शिव रूप में हूं, तो शिव जितनी भी मूर्तियां आप शिव की अपने घर में रखते हैं उसे चमका के रखो, बिल्कुल साफ करके चमका के रखो। कई बार ऑक्सीडाइज भी होती है तो उसको भी साफ करके, धूल नहीं होनी चाहिए, साफ रखो। मैं क्योंकि मैं मेरी आत्मा जो है अब शिव में प्रवेश कर गई है, मैं शिव रूप में हूँ। हर घर घर में जितने आप इनको चमकाओगे जितना साफ करोगे उतनी नेगेटिविटी इस संसार से निकल जाएंगी। ये ऐसी और 5-7 चीजें थी, मैंने नहीं लिखी लेकिन उस आंटी ने लिखी थी जब सत्संग में उन्होंने बताया कि वो चीजें थी। मैं इसलिए ये कहना चाह रही हूँ कि गुरु जी के जो वचन रहे, गुरु जी की जो वडियाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, किस तरह से गुरु जी ने जो हमें सारे जवाब देते थे, जब गुरु जी के एम्पायर स्टेट में हम जाते थे जो सीढ़ी लगाते थे वो गुरु जी की अपने कहने से लगती थी। जितने भी वचन सुने जाते थे या जितनी भी सीडी में हम लोग जो सुनते थे उसमें हमारे मैसेज मिल जाते थे। और कभी कभी हम सोच के जाते थे जिस कई बार कि गुरु जी ये परेशानी कैसे, तो वो एक शब्द मुझे याद नहीं आ रहा जिसका साईं डाडा उसको दुख काय को इस तरह से है, तो उसके लिए तो भगवान जो हमारे जो डॉक्टर हैं जो हमारे वैद्य हैं जो हैं वो सिर्फ गुरु जी हैं। गुरु जी का नाम लेके आपने जैसे पहले भी कहा कि मेडिसिन की बात कही,
वो बात ठीक है कि मेडिसिन कभी किसी को असर नहीं करती है, अगर गुरुजी की ब्लेस्ड हो। गुरुजी जब कई बार कहते थे हाँ ऑपरेशन कराओ, करना तो मैं है ना, करा लो, ये दवाई खानी है खानी है, या तो मना कर देते थे कि कोई जरूरत नहीं है, या वो कहते थे खा लो, मैं ब्लेस कर रहा ना, तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। गुरुजी की चीज़ें जो ब्लेस्ड हो जाएं, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, रोग मुक्त होते हैं, हमारे आत्मा, हमारा मन, हमारा शरीर ये ठीक होता है। और आज भी गुरुजी की कृपा सब पे बनी है, पल पल हम गुरुजी का जब ध्यान करते हैं, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम सब वो अगर यही कहते रहे कि तुम मेरा नाम लो मैं तुम्हारे काम करूँगा, तो इसमें कौन सी बड़ी मुश्किल है। हम हर वक्त गुरुजी को ध्यान रखें, गुरुजी को अपने साथ महसूस करें, क्योंकि कई बार एक सत्संग मुझे और याद आ रहा है कि एक बार जब गुरुजी थे तो वो लॉकेट बांट रहे थे, चांदी की चेन और चांदी के लॉकेट थे, तो मेरे को उन्होंने दे दी, मेरी बीच वाली डॉटर भी थी, तो मैंने उनको कहा गुरुजी इसको भी दे दो, तो कहने लै मैं दे दिल्ली च रहा की लोड़ है। मैं चुप हो गई, फिर मैं मन मन में सोची थी कोई बात नहीं मेरे पास जो है ना मैं इसको दे दूंगी अपना, मैं अभी सोच ही रही थी, तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने उसको देखा, उसको कहते ले फाड़। तो गुरुजी ने तभी उसको एक दिया, तो मैं मन मन में हंसने लगी कि मैं सोच रही थी मैं अपना दे दूँ, गुरुजी ने एक और दे दिया। तो कई बार ऐसे करते थे, उसकी एक परेशानी थी, मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इसको ये बोलता है डॉक्टर, तो ऐ क्यों होता है, अगर उन्होंने समझो ये कह दिया ऐ क्यों होता है, तो मीन्स अपने आप उसको क्योर कर देते थे। फिर उन्होंने अपनी चाय प्रसाद पी रहे थे और पीते पीते उसको काले पी ले, तो उसने ले के पी ली, तो ये ठीक है, गुरुजी की कृपा बनी रही, कोई रोग जो उसको बोल रहे थे वो बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक हो गया, गुरुजी की बड़ी कृपा है। आज भी हमारे उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, कभी भी जब परेशानी में हो, पर मैं अभी भी सोचती हूँ कि हम लोग उनकी बात में जिद करती थी, अभी भी जैसे मुझे एक ड्रीम आया और गुरुजी कह रहे हैं, मैं अक्सर सत्संग सुनती रहती हूँ, तो मैं सो रही थी और सत्संग चला रखा था, मैं सो गई, ड्रीम में आए गुरुजी, की कर रही है, सत्संग कर रही है, मैं कह नहीं जी गुरुजी सुन रही हूँ। ओहो, तो मेरी आँख खुली, तो मैंने कहा मैं कितनी गलत हूँ, जब गुरुजी की हर बात को हाँ कहना चाहिए, वो कह रहे सुन रही है सत्संग कर रही है, तो मुझे कहना चाहिए हाँ जी कर रही हूँ। पर मैंने अपनी डॉक्टर को बोला कि मैंने तो कह दिया कि नहीं नहीं मैं सुन रही, कहते आपने ठीक बोला ना, मतलब झूठ नहीं बोला, मैंने कहा हाँ मैंने तो, क्योंकि मैं सुन रही थी कर तो नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं गुरुजी मैं सुन रही हूँ कर नहीं रही। तो गुरुजी बहुत खुश होते हैं सत्संग करने से, सत्संग सुनाने से, सत्संग सुनने से, वो कहते थे सत्संग कहने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण, किसको कहाँ क्या रिप्लाई मिलता है, क्या जवाब मिलता है, गुरुजी सत्संग के माध्यम से ही अपने जवाब देते हैं। और फिर वो कहते हैं कि मुझे जो भी समस्या हो, जो पाप है, जो प्रॉब्लम है, गुरुजी के चरणों में, गुरुजी ने ये भी कहा कि कोई भी पाप की गठरी मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं उसको कुचल के सब खत्म कर दूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा। या हमारी बहुत सारी दिन भर की या समस्याएं होती हैं, टेंशन होती हैं, परेशानियां, तो कहते हैं टेंशन मेरे चरणों में छोड़। आज भी आप जहाँ भी हैं, पूजा घर है नहीं है, मानसिक तौर से भी पूजा करेंगे और गुरु के चरणों में छोड़ दो, गुरु जी मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मैं आपके चरणों में रख रही हूँ, आप जानो और मैं आपकी हूँ, बस ये कह के आप बिल्कुल एकदम शांत हो जाओ और कहो कि गुरु जी मैं कुछ नहीं, मैंने तो अपना जीवन आपके हाथ में दिया, आप जानो आप मुझे कहाँ ले जाएंगे, क्या मेरे जीवन में सीख है वो कर। और ये मानिए, सच मानिए, आप ही उन प्रॉब्लम का हल गुरुजी खुद निकाल देते हैं, जो उनके चरणों में आपने समस्याएं रख दी और फ्री हो गए, उनको कहा मेरे को चिंता नहीं करनी, मुझे चिंतन करना है आपका, चिंता आपकी है, मैं केवल आपका चिंतन करूं और आप हमारी चिंता दूर करो, तो वो दूर होती ही होती है। कोई काम ऐसा नहीं है जो गुरुजी ने ना किया हो, चाहे वो हनुमान से कराएं, चाहे वो दुर्गा से कराएं, चाहे वो काली से कराएं, चाहे वैष्णव से कराएं, चाहे ब्रह्मा से कराएं, चाहे विष्णु से कराएं, वो उनकी अपनी है, वो सर्वोच्च शक्ति है, वो प्रकाश है, वो ज्योत है जिसका आदि ना अंत, जिस ज्योत से, जिस प्रकाश से, जिस रोशनी से सारे देवी देवताओं की ज्योत जगती है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जहां भी हो
ये सब सिर्फ प्रभु की लीला है, गुरु जी में, गुरु में सब है। और गुरु जी, गुरु एक शिव महाशिव है जिसका कोई अंत और आदि नहीं है, जो पैदा नहीं हुए, जो पूरे ब्रह्मांड में, एक ब्रह्मांड हम सोचते हैं एक ब्रह्मांड है, एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों तारे, अनेकों ब्रह्मांड है जहां गुरु जी व्याप्त है, हर जगह में इतनी उनकी शक्ति है। वो खुद भी कहते थे, कहते मेरा अगर तुम स्वरूप नहीं देख सकते, मैं तो इतनी ऊंचाई से देखता हूँ कि मुझे कीड़े के जैसे दिखते हैं सब लोग, और मैं लेकिन एक मिनट में उसका अगला पिछला सब पढ़ लेता हूँ, और मेरी जो पावर है, अगर मतलब उसका फ्लिकर ऑफ जैसे सेकंड कहते हैं, उसका भी इतना सभी अंश अगर मैं पूरी तरह से आपको दिखा दूं तो भस्म हो जाएंगे, इतने तेज है उनमें। ये बात गुरुजी खुद बात करते थे उस समय पे, और ये कहते थे, और हम मानते भी हैं। चाहे उस समय में हम लोग इंसान है ना, तो मजाक रूप में गुरुजी ने कह दिया, हमने सुन लिया, माना नहीं, कभी मान लिया कभी नहीं माना, अपनी सहूलियत के हिसाब से चलते रहे। लेकिन आज उस चीज़ को मैं बहुत पछताती हूँ, दुखी भी होती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ने हमें कहा और हम कुछ चीज़ें मानी कुछ नहीं मानी। आज मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी से, बारंबार उनसे कहती हूँ बख्शनहार, मुझे बख्श देना, मेरी गलती या मेरे बच्चों की या किसी की भी गलती हुई, संगत को बख्शो और अपने सही मार्ग पर लाओ, अपने चरणों की ऐसी सद्बुद्धि दो, हमें अपने चरणों से सुमति दो, जिस सुमति से हम अच्छे कर्म कर सकें, अच्छा चल सकें, अच्छी बात कर सकें, और आपके बताए हुए रास्ते पे चलें। आपकी संगत जो है, एक बहुत बड़ा परिवार आपने दिया है, सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ रहें, जहाँ जहाँ से इस समय पे गुरुजी ने कैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब चीज़ें बंद हैं, लेकिन गुरु का जो दरबार, जो गुरुजी ने ये रास्ता हमें दिखाया है सत्संग करने का, घर घर में ज्योत जगेगी, हर घर में ज्योत जग रही है, हर घर में सत्संग हो रहे हैं, चाहे घर में चार लोग ही बैठ के अपने करें या आसपास की नई संगत को बुला के सत्संग करें, ये गुरुजी चाहते थे और वो हमें करना भी चाहिए। गुरुजी ये जो सत्संग प्लेटफॉर्म दिया है, मैं आपका भी शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने पूरे जगह पे जहाँ जहाँ भी ये फैल रहा है, जितनी भी संगत सुन रही है, सबको ब्लेस करें गुरुजी, कृपा करें सब पे, जिसकी भी जो कठिनाइयाँ हैं जो उन्हें दूर करें, कोई भी जो रोग है, दोष है, दुख है, परेशानियाँ हैं उसकी, घर की हैं, बाहर की हैं, बच्चों की हैं, पढ़ाई की है, सबको दूर करें गुरुजी। मेरी तो यही मन से इच्छा निकलती है, मेरी मन से कि ये सोच है, गुरुजी के दिए हुए जो ब्लेस करा है गुरुजी ने, सबको और ज़्यादा ब्लेस करें, गुरुजी की ब्लेसिंग्स कम नहीं है। गुरुजी आज पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हैं, और मैं उन लोगों को, उन संगत को भी ज़्यादा प्रणाम करती हूँ जिन्होंने गुरुजी को चोले में तो नहीं देखा, लेकिन आज जो उन्हें मान रहे हैं गुरुजी, उनको भी इस समय में ज़्यादा ब्लेस कर रहा है। कभी भी देखिए, नई संगत जाती जो 17 में जुड़ी, 18 में, 19 में, 20 में, आज भी जो जाते हैं उनको भी ब्लेस करते हैं। ये गुरुजी का सत्संग है। बहुत सारा मैंने बोल दिया, अभी समय पता नहीं मुझे, लेकिन फिर मुझे बुलाएंगे, मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद गुरुजी का, और शुक्राना बहुत बहुत, और सारी संगत का शुक्राना जो सुन रहे हैं, उन सब का भी शुक्राना। गुरुजी जब हम जाते थे पहले, वो बोलते थे नमस्ते जी, नमस्ते जी, तो नमस्ते जय गुरुजी, हम बाद में भूलने लगे, पहले तो नमस्ते जी करते थे।